प्रभातं सर अहम अनुष्का अस्मि अहम कक्षायां पंचम कक्षायां पठामि वयम पश्यामा जंतुशालम मयूरः मोर तोतः कबूतर उष्ट्रः ऊस मूषकः चूहा धेनु गाय वानरः बंदर बंदुकः मेंढक हंसः बत्तख गदर्वः गधा सिंहः शेर कबूतरः कुत्ता मीना मछली अश्वः घोड़ा शुकः तोता उल्लूकः उल्लू गजः हाथी धन्यवाद सर आदित्यः अस्ति अहम पंचम कक्षायां पठामि मम विद्यालये नाम बीएमडीएवी पब्लिक स्कूल अस्ति मेरा नाम है समृद्धि मैं कक्षा 5वीं ब में पढ़ती हूँ ये मेरा संस्कृत का प्रोजेक्ट है इसमें मैंने फलों और सब्जी की मंडी का निर्माण किया है अब मैं एक एक करके इन सब फलों और सब्जियों का नाम बताऊंगी देखिए आप ध्यान से सुनिएगा ये है पपीता का इसको कहते हैं हिंदी में पपीता ये है कदली फलम इसे हिंदी में कहते हैं केला और ये है सेवम सेवम को हिंदी में कहते हैं सेब और ये है अजगंध इसे हिंदी में कहते हैं पुदीना और ये है अंगुली तोरी का इसको कहते हैं भिंडी हिंदी में और ये है करवेला इसे हिंदी में कहते हैं करेला और ये है बीजपुरम इसको मेरा नाम सुप्रिया है मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ मंडी प्रस्तुत करने जा रही हूँ संस्कृत का प्रोजेक्ट ये है आलूकम इसे हिंदी में आलू कहते हैं ये है अनापू इसे हिंदी में लौकी कहते हैं ये है अदरकम इसे हिंदी में अदरक कहते हैं ये है परिचय इसे हिंदी में मिर्ची कहते हैं ये है पलांडू इसे हिंदी में प्याज कहते हैं वह है धनिका उसे हिंदी में धनिया कहते हैं यह है गजगम इसे हिंदी में गाजर कहते हैं यह है पुष्प साकम इसे हिंदी में फूलगोभी कहते हैं यह है रत्नाफलम इसे हिंदी में टमाटर कहते हैं यह है मूलकम इसे हिंदी में मूली कहते हैं यह है अर्जिकम इसे हिंदी में अर्जी कहते हैं यह है अंगूर तेरिका इसे हिंदी में भिंडी कहते हैं यह है नींबू का इसे हिंदी में नींबू कहते हैं वह है डांडिमम उसे हिंदी में नार कहते हैं वह है सेवम उसे हिंदी में सेब कहते हैं यह है अमृत फलम इसे हिंदी में नाशपाती कहते हैं यह है पपीता का इसे हिंदी में पपीता कहते हैं वह है कद्दू फलम उसे हिंदी में केला कहते हैं धन्यवाद
प्रभात, मेरा नाम अनन्या खुराना है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं अरविंद सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना सुंदर प्रोजेक्ट बनाने को दिया। यह मेरी जंतुशाला है। आइए जंतुशाला की सैर पर चलें। कुक्रह, मयूरह, कपोतह, कपोतह, उष्टह, मृगह, गजह, चटका, सिंगह, व्याघ्रह, हंसह, विडालह, अजह, यह सब हमारे मित्र हैं। हमको इनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।